तो दोस्तों देखिए आज हमारे खाने में क्या है, चावल है, भाजी है, दाल है और हमारे पास छाछ भी है और लस्सी भी है। और आप जो भी खाना चाहे खा सकते हैं, आ जाइए खा लीजिए खाना। क्या हम लोग गाइच हम लोग क्या हम लोग कैरम खेल रहे हैं। यहाँ पे आयत क्या कर रही है, क्या लिख रही है ये? यार गोटिया मत हिला। मेरा सवाल है इसमें इसका एंड किधर, मतलब जो ये मेज है, ये बीच का रास्ता, मेरे को लगा ये रास्ता जो ये है ये मेज है। आयत को भी दिखा कैम्बा कैरम। यहाँ पे अब मेरी बारी है, पापा रिकॉर्ड कर रहे हैं। पापा एकदम सही से एंगल लेना, ये एकदम सही आ गया। मेरा अब देखना मैं कितना मारेगा तगड़ा। एक गोटी भी अंदर नहीं गई, एक का फाउल प्लस एक गोटी निकली दोनों। तो देखिए काफी रात हो गई है, आरिफ दे रहे हैं माँ को खाना। देख जरा एक डब्बा उसके देख पेट के नीचे रखी हुई है, निकाल दे उसको, अनकंफर्टेबल हो रहा होगा। हाँ यहाँ रख दे। और हम लोग ने बनाया है काला चाय, आरिफ तो स्टील के मग्गे में पी। अच्छा मैं स्टील का, गरीबी का ये आलम है कि स्टील के मग में चाय पीना पड़ रहा है। एक दिन चल और थोड़े कप लेके आते अपन डी मार्ट से। अच्छे से कप लेके आएंगे, छोटे साइज की चाहिए, बड़े तो बहुत मग है हमारे पास में। ठीक है बता प्यारे भाई बहनों, आप भी आइए हमारे साथ काली चाय पी लीजिए। और आप लोगों का हमेशा से स्वागत है हमारे ब्लॉग के अंदर। अच्छी बनाई हूँ, क्या रो रहा है लड़की लग के जैसा। आरिफ का ना काली चाय पसंद नहीं है, पर मेरी वजह से मजबूरी में पी रहा है क्योंकि मेरे को गैस हो जाती है ना गोरी चाय से। बढ़िया है, अच्छी बनाई है। अनु बस दो दाने खाओ और भाग के आ जाओ, है ना बंदर। मेरी पाड़ी मम्मा कुछ बोल दो ना, दो दो ऐसे कर दो। माँ, बोल दे। माँ। क्या माँ मतलब माँ? मैं बोल दू माऊ माऊ, तू नहीं बोलेगी, मम्मा बोले माऊ माऊ, है ना। मुझे तो हमेशा से काली चाय बहुत पसंद है। अब पहले तो काली चाय पीती थी तो काली चाय ही पीती थी, अब काली चाय पीती हूँ ना तो मुझे मेरे पापा की याद आ जाती है कि अब पापा रहे नहीं इस दुनिया में और मेरे पापा रोज काली चाय पीते थे दिन में 2-3 बार। पर ठीक है, आप लोग सतर्क रहे अपने घर में, अपने बूढ़े बड़ों का ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। और आप लोगों के रमजान कैसे जा रहे हैं हम लोगों को बताइए, हम लोग के तो अच्छे ही जा रहे हैं। और कुछ आप लोग बोलना चाहते हैं तो जो दिल में वो बोलिए। मैं पीती हूँ, मुझे तो अच्छी लगती है आदि ऐसी वजह, ये मत डालना। वाह शानदार। अगर आप लोगों को कोई काली चाय की रेसिपी चाहिए जो मेरे पापा ने मुझे सिखाई है तो आप लोग मुझे बताइएगा। ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है, बिल्कुल भी पत्ती का ऐसा तीखापन नहीं लगता है। ठीक है, मेरे पापा ने सिखाया था कि ये ऐसे रंग की हो जाए ना, फिर वह भी तरीका सिखा दूंगी तो क्या मतलब रहेगा। आप लोग बताइए, सीखना है तभी सिखाऊंगी। चलिए दोस्तों हमारे लाइक करिए, शीरो भी आ रहा है जल्दी देख। चुप चुप के आ रहा है क्या, कहीं खाना मिल रहा तो नहीं? शीरो की आप लोगों को एक बात बताती हूँ मैं, वो रहा ना शीरो दूसरे वाले कटोरे में है ना बाबू। शीरो को ये पता है कि माऊ माऊ है, शीरो को माऊ का नाम मालूम है लेकिन शीरो को अपना नाम नहीं मालूम है। तो 2.5-3 महीने हो गए लेकिन शीरो को शीरो बोलो तो ध्यान ही नहीं देता है, लेकिन अगर माऊ बोल दो इधर के माऊ है, शीरो माऊ के पास जाए या माऊ आ गई तो शीरो को पता चल जाता है। अपना नाम याद नहीं हो रहा है बंदर को, दूसरे का नाम बहुत याद हो रहा है। शीरो, मामा शीरा सुनता ही नहीं।